विक्रम संवत पर नए साल का जश्न इस बार 9 दिन का मनेगा। खास बात यह होगी कि 2 अप्रैल को गुड़ी पड़वा पर उज्जैन का जन्मोत्सव भी गौरव दिवस के रूप में मनाया जाएगा। विक्रमोत्सव में नाट्य प्रस्तुतियों, संगीत, कवि सम्मेलन, मूर्तिकला, कार्यशाला, प्रदर्शनी आदि के साथ विक्रमादित्य अलंकरण दिए जाएंगे। विक्रम पंचांग का भी प्रकाशन होगा। सम्राट विक्रमादित्य द्वारा स्थापित विक्रम संवत की शुरुआत गुड़ी पड़वा चैत्र प्रतिपदा से होती है। नए साल के मौके पर नगर में विक्रमोत्सव का आयोजन किया जाता है। इस साल 9 दिनी उत्सव 25 मार्च से शुरू होगा तथा 2 अप्रैल चैत्र प्रतिपदा पर समाप्त होगा। विक्रमोत्सव को लेकर आयोजित बैठक में उच्च शिक्षा मंत्री डॉ. मोहन यादव ने घोषणा की कि राज्य सरकार ने सभी नगरों ग्रामों का जन्मोत्सव मनाने को कहा है। उम्मीद कर रहे हैं कि इस साल जो विक्रमोत्सव वो बहुत भव्यता से मनाया जाए, और चूंकि इस वर्ष माननीय मुख्यमंत्री जी का आग्रह भी है कि हर एक नगर का जन्मोत्सव मनना चाहिए। उसको जिसकी जहाँ से तो विद्वानों की सबकी राय है कि उज्जैन तो हर कल्प में रहा है, हर युग में अस्तित्व रहा है, इसलिए इसका नाम एक अमरावती भी है, प्रतिकल्पा भी है। इसलिए वर्ष प्रतिपदा के दिन इसका जन्मोत्सव मनाया जाएगा, तो वो उस संवत का भी दिन रहेगा और ये जन्मोत्सव भी रहेगा। उसकी पूरी रूपरेखा भव्यता के साथ आयोजन लगभग ये 22 तारीख से लगा करके 2 तारीख तक के आयोजनों की विभिन्न रूपरेखा रचना बनी है। अभी ये हमारी प्राथमिक बैठक हुई है, उसके बाद इसकी आखिरी बैठक भी संस्कृति मंत्रालय में जाकर के माननीय मंत्री जी के साथ होने वाली है। लेकिन मोटे तौर पर रूपरेखा बनाई है जिसमें भव्यता के साथ रंगारंग कार्यक्रम हो, क्योंकि कोविड के 2 साल के कारण से हमारा आयोजन भी बीच में रुका था, और चूंकि इस साल तो ये सब प्रकार से परिपूर्ण भाव से मनाने जा रहे हैं, तो उम्मीद करेंगे कि उतने आनंद के साथ ही कार्यक्रम। देखिए, विक्रम उत्सव जो है हमेशा ही धूमधाम से मनाया जाता रहा है। उज्जैन के इतिहास और परंपरा में इसका बहुत विशेष महत्व है, लेकिन इस बार ये महत्व और भी ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि जो माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा प्रत्येक शहर का एक जन्मदिवस या गौरव दिवस कहें जिसको मनाने की प्लानिंग करी गई है, और उसके तहत वर्ष प्रतिपदा को ही उज्जैन की तरफ से प्रस्तावित किया जा रहा है। अतः एक गौरव दिवस का भी एक वो अवसर रहेगा, इसके अलावा पारंपरिक जो विक्रम उत्सव के कार्यक्रम हैं वो भी होंगे। तो इसलिए जितना भव्य और बृहत स्तर पर ये कार्यक्रम पहले होता रहा है, उससे कहीं अधिक भव्यता हम लोग इस बार इसको देंगे। माननीय मंत्री जी, माननीय पारस जी के साथ में सभी जितने भी स्टेक होल्डर्स थे, सभी की बैठक हमारे द्वारा करी गई है। इसमें एक बहुत ही बड़ा कवि सम्मेलन जिसमें जितने भी नामचीन कवि हैं उनको बुलाने का, अलग अलग दूसरे सांस्कृतिक कार्यक्रम और जितने भी मंचीय कार्यक्रम पहले होते थे वो सारे के सारे होंगे, और उससे ज़्यादा और भव्य रूप में रखे जाएंगे। बहुत प्रसिद्ध लोगों को इसमें बुलाया जाएगा, जिससे कि न केवल विक्रम उत्सव बल्कि उज्जैन के बारे में भी लोगों की जागरूकता और बढ़े, और यहाँ की जो परम्परा है, यहाँ के जो कहानियां हैं खासतौर पर विक्रमादित्य से संबंधित, उनका और प्रचार प्रसार। इस बार नए साल पर विक्रमोत्सव के साथ नगर का जन्मोत्सव भी होगा। चैत्र प्रतिपदा पर 2 अप्रैल को सूर्योदय को अर्घ्य देने के साथ महाकाल को ध्वज अर्पित होगा। बैठक में तय किया गया कि मुख्य समारोह के लिए रामघाट पर नदी में मंच बनाया जाएगा। रामघाट और दत्त अखाड़ा घाट पर बैठकर नागरिक कवि सम्मेलन और अन्य आयोजनों का आनंद लेंगे। इसके लिए शिप्रा में साफ पानी का बंदोबस्त किया जाएगा। गीतकार मनोज मुंतशीर, कवि हरिओम पवार, कुमार विश्वास, कविता तिवारी जैसे ख्यात कवियों को आमंत्रित किया जाएगा। इस बार चैत्र प्रतिपदा की संध्या पर भी गीत संगीत का आयोजन किया जा सकता है। मृदुभाषी के लिए उज्जैन से अमृत बैंडवाल की रिपोर्ट। वीडियो को लाइक और शेयर करें। मृदुभाषी से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें।